रिकॉर्डिंग पर है आप? सुन ठीक। मैं लास्ट टाइम आपसे इसके बारे में बात कर रहा था, अबाउट द एक्सटेंशन। ये सारी एक्सटेंशंस आप लोग डाउनलोड कर लेना। सही है। यस, दैट इंडिकेट्स रिकॉर्डिंग। ये पूरी स्लाइड्स में आप शेयर कर चुका हूँ, सही है? तो ये याद से आप लोग सब डाउनलोड कर लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे कुछ चीजें होंगी जो थोड़ी सी आप लोग को एक तरह से एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इसके अंदर ही, फॉर प्रोडक्ट हंटिंग, या ये समझ लें कि आप लोग को जो है ना बेसिकली कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो इस वजह से, ताकि उस वक्त ऐसा ना हो कि सब लोग आखिरी मोमेंट पे कर रहे हो। सब ये सब लिख लो, जब सेशन खत्म हो जाए ये सब डाउनलोड कर लेना। अभी मत डाउनलोड करने बैठ जाना, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो सेशन सेशन चल रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लास्ट में आप लोग को वूकॉमर्स वर्सेस वर्डप्रेस का एक वाजे फर्क बता दिया था। इट्स नॉट एज इफ कि वूकॉमर्स अच्छा नहीं है, वूकॉमर्स बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग वूकॉमर्स से भी कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी ड्रॉप शिपर्स और सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर्स जो है, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं किसी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, एक या दो या तीन लोगों की बात नहीं कर रहा, वो उबेलू शॉपिफाई से कर रहे हैं, या शॉपिफाई पे वो कोई थर्ड पार्टी प्लगइन जैसे यकियोफी हो गया। जैसे उबेलू के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, यकियोफी है, ठीक है, और बहुत सारे हैं। अच्छा, मैं अब आप लोग को बता रहा हूँ, ये लास्ट टाइम जो आप लोग के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस में नहीं हटाऊंगा, क्वेश्चंस पे मैंने वर्किंग करना स्टार्ट कर दी है। कुछ अगर ऐसे एरियाज थे, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसे एरियाज थे जो कि मैंने पहले बेहतर तरीके से कवर नहीं करे, तो उसके ऊपर मैंने कॉन्टेंट बनाना शुरू कर दिया है। सेशन 1, सेशन 2 के अंदर आप लोग अपने नए सवाल डालोगे, ठीक है? वो लिंक हमेशा सेम रहेगा, तो अपने पास तुम लोग कहीं स्टिकी नोट्स वगैरह पे सेव कर लेना। मिनट यार, रुको। और आज प्लीज शैतानी करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया है, शीट पे अगर कोई चेंजेस करता है, किसी का कोई सवाल मिटाता है, तो लिखा हुआ रहा होता है हिस्ट्री में जाके कि किसने क्या करा था क्या नहीं करा था। तो प्लीज ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ शीट का लिंक।
और प्लीज जो लोग बैठे हुए हैं, जो ये बोलेंगे ये बहुत लंबा लिंक है हमें शॉर्टेड लिंक दे दे, तो प्लीज जो लोग बैठे हुए हैं वो ही शॉर्ट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले चैट पे, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट। ठीक है, मैंने ये दे दिया आप लोग को। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चंस लिख लेना अपने यहाँ पे। हम लोग कभी भी अब किसी भी सेशन का के क्वेश्चंस नहीं हटाएंगे, ताकि मेरे पास एक समझे, ये मेरा मेरा एसेट है, ये मेरा एसेट है कि आप लोग के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। आई कैन इम्प्रूव द कोर्स लुकिंग एट योर क्वेश्चंस, इफ देयर समथिंग मिसिंग आउट इन द कोर्स आउटलाइन, और या कोई मुझे एरिया ऐड करना है, तो मैं क्वेश्चंस को देख के वो जो है चीजें बहुत कॉमन, अगर अगर कोई हुई, वैसे मेजोरिटी चीजें कवर्ड है, लेकिन अगर कोई हुई तो वो मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, शीट 1 को कोई टच ना करे, और अगर किसी ने किया मैं फिर बता रहा हूँ, हिस्ट्री आ रही होती है, एंड प्लीज आई डोंट वॉन्ट एनी ट्रबल, थैंक यू। ओके, सेशन 2 टैब में जाके करना है जो करना है। ठीक है, बल्कि भाई मुझे भरोसा नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने लिए जो है ना इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मैं पता नहीं कुछ हो गया होगा, मैं फिर देख लेता हूँ। ये लीजिए, भेज दिया। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टाइप्स ऑफ स्टोर्स हमारे पास कितने हैं, और आप लोगों को कौन सा बनाना चाहिए, कौन सा नहीं बनाना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए हर टाइप के स्टोर से। थोड़ा सा इसमें शायद कुछ चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन मोर और लेस तकरीबन चीजें सेम रहेंगी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सो तीन बेसिक टाइप ऑफ स्टोर्स होते हैं हमारे पास ड्रॉप शिपिंग में। हमारे पास जनरल स्टोर होता है, निश स्पेसिफिक या निश बेस्ड स्टोर होता है, और हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट स्टोर होता है। ठीक है, ये तीन टाइप के हमारे पास स्टोर्स होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ईच टाइप ऑफ स्टोर के ऊपर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जनरल स्टोर पे पहले बात, तो प्रोडक्ट तीनों पे बता देता हूँ कंपेयर कंपेयर करते हुए। तो प्रोडक्ट चॉइस जो है जनरल स्टोर पे, हमारे पास 100+, 200+, 500+ भी जाती है। ठीक है, निश स्पेसिफिक पे या निश बेस्ड स्टोर पे हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट चॉइस 5 से 15, बहुत ज्यादा हो गया तो 25 चली जाती है। ठीक है, वन प्रोडक्ट स्टोर पे वन प्रोडक्ट होता है, इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, वन प्रोडक्ट के साथ वन प्रोडक्ट होता है, आप टेस्टिंग पूरा वन प्रोडक्ट स्टोर की करते हो, अगर वो प्रोडक्ट आपके पास बेनिफिशियल निकलता है, उसकी सेल्स आ रही होती हैं, तो अपना टोटल ओवरऑल एवरेज कार्ट वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है, एवरेज कार्ट वैल्यू बढ़ाने के लिए, गौर से सुनिएगा, मतलब बेसिकली अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए आप उसके साथ एक लो टिकट प्रोडक्ट रखते हो। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज आपका जो प्रोडक्ट है वो अराउंड $30 का है या $25 का है, तो उसके साथ आप एक लो टिकट $8 to $10 का एक प्रोडक्ट रखोगे, सही है, ताकि जो है आपकी ओवरऑल एवरेज कार्ट वैल्यू बढ़ सके और आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ सके। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको वन प्रोडक्ट स्टोर ही, उसको वन प्रोडक्ट स्टोर ही हम लोग बोलते हैं, क्योंकि उसका फोकस मेन वन प्रोडक्ट स्टोर होता है। और फिर कुछ लोग ये भी करते हैं कि उसके साथ 2 से 3 आइटम खरीद ले, ऐड करते थे, जस्ट लाइक अमेजोन सजेशन दे रहा होता है। ठीक है, लेकिन अमेजोन तो हर साइज के प्रोडक्ट की सजेशन भी दे रहा होता है, तो मैं बस एक आप लोग को आइडिया दे रहा हूँ कि अगर इसके आगे क्या है, वन प्रोडक्ट स्टोर किसको खोलना चाहिए, निश बेस्ड स्टोर किसकी किसको जाना चाहिए इसकी तरफ, और जनरल स्टोर किसको जाना चाहिए, दोनों की जरा स्ट्रेटजीज डिफरेंट है, तीनों की, सॉरी। सही है, अब आज आई एम श्योर मेरी वॉइस वॉइस बिल्कुल सही आ रही है, तो ये जिसका भी नाम है जिसको मैं स्पेल आउट नहीं कर सकता, आप प्लीज अपने एंड पे मसला देख लो। प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च हमारे पास जो है वो जनरल स्टोर में नॉन एक्सटेंसिव होती है। जनरल स्टोर में आप सबसे आसान तरीका बता देता हूँ, अगर आपके, मैं अभी कुछ जनरल स्टोर्स की एग्जांपल दूंगा, अगर आपके पास 10 जनरल स्टोर्स हैं, ठीक है, 5 जनरल स्टोर्स हैं,
जितने भी जनरल स्टोर्स हैं आपके पास, आप करते ये हो कि आप अगर आपके पास मतलब आपको पता है, इफ यू नो ऑफ सम, तो आप बेसिकली उनसे एग्जांपल्स उठाते हो यूजिंग सम टूल्स, और फिर उन प्रोडक्ट्स को अपनी साइट पे इनकॉर्पोरेट कर लेते हो. कैसे करते हो, पता कैसे चलता है कि कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, ज्यादा डिमांड है, सो एंड सो फोर्थ, वो चीजें जो हैं बेसिकली आपको थर्ड पार्टी टूल्स से पता चलती हैं, रिसर्च वर्क से पता चलती हैं. कुछ ऐसी टूल्स हैं जो बेसिकली इंटेलिजेंट इंसाइट्स देती हैं उन प्रोडक्ट स्टोर्स के ऊपर. इस तरह बेसिकली आपको आइडिया होता है चीजों का. सिमिलरली फॉर निश स्पेसिफिक, इस पे जो प्रोडक्ट रिसर्च होती है वो मॉडरेट होती है. आपका निश बेस्ड स्टोर है, लेट्स सपोज डॉग्स का. अब आप क्या करोगे कि आपने अपना माइंड बना लिया कि मैं ये कोशिश करूंगा कि मुझे विनिंग प्रोडक्ट जो है वो डॉग बेस्ड निश में ही मिले, तो आपकी इसमें मॉडरेट इस वजह से होगी बिकॉज आप टू सम एक्सटेंट लिमिटेड हो, राइट, कि आपको बेसिकली डॉग बेस्ड स्टोर पे ही करनी है. क्योंकि आपने लेट्स सपोज तीन स्टोर भी बनाए हुए, तो लेट्स सपोज एक डॉग डॉग बेस्ड स्टोर है, एक आपने और कोई खोल लिया गेमिंग बेस्ड खोल लिया, एक और आपने कोई खोल लिया टूरिज्म बेस्ड, सही है. तो आपने तीनों जो भी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो वो आप बेसिकली एक फाइन लाइन है उसके अंदर कर रहे हो. फॉर वन प्रोडक्ट इसकी एक्सटेंसिव होती है, रीजन बीइंग कि आप इसमें, अच्छा इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी का भी फर्क है, ठीक है. जब आप जनरल स्टोर खोलने जा रहे होते हो तो यू जस्ट ओपन अ जनरल स्टोर एंड दैट इज इट, सही है. उसमें हर तरह का प्रोडक्ट होगा, दुनिया भर का प्रोडक्ट होगा, निश बेस में ऑब्वियसली निश बेस्ड होगा. वन प्रोडक्ट में ये होता है कि बंदा जो है ना, जो ड्रॉप शिपर है, वो प्रोडक्ट हंटिंग करता है एक्सटेंसिवली, बहुत एक्सटेंसिव, बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट हंटिंग करता है. प्लीज अपनी वीडियोस ऑफ कर दें. बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट हंटिंग करता है, और प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद जैसे एक शीट सी बना लेता है अपने पास कि भाई ये प्रोडक्ट्स मेरे फाइनलाइज हो गए हैं, ये अभी वैलिडेशन में हैं, अभी इनको मजीद देखना है, दूसरे किसी और से भी अप्रूव कराना है, फॉर एग्जाम्पल जो भी उसका प्रोसेस है. जब सब हो गया तो उसके बाद वो डायरेक्टली स्टोर जो खोलेगा ना, वो सिंगल प्रोडक्ट स्टोर होगा, ठीक है. एंड व्हेन आई से सिंगल, फोकस उसका जो पूरा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस होगा उसका, वो सिंगल पेज सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर बेस करेगा, ठीक है. हैविंग सेड दिस, सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर बेस करेगा. लेकिन जब आप कार्ट की तरफ जा रहे होगे या जब आप एड टू कार्ट करोगे, तो वहां पर वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स दो तीन या एक दिखा सकता है ताकि आपकी ओवरऑल कार्ट वैल्यू बढ़े. ये मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, ठीक है. स्केलेबिलिटी जो है जनरल स्टोर में समवॉट होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती, होती है, लेकिन कंपैरेटिवली निश में ज्यादा होती है और वन प्रोडक्ट स्टोर में ज्यादा होती है. इसका भी मैं आपको बता देता हूँ. देखिए जनरल स्टोर जो होता है ना, वो जनरल स्टोर होता है. देन अगेन अगर आपको नाइक के स्निकर्स लेने, तो आप उसके लिए किसी भी शू स्टोर पर नहीं जा रहोगे, रिगार्डलेस के अगर वो चीज बेच रहा हो, अनलेस के अगर आपको पता हो कि यार ये तो नाइक स्टोर से ज्यादा सस्ता बेच रहा है, उनका कोई पुराना आर्टिकल है जो यहाँ पे होते हैं और बहुत सस्ते बिक रहे होते हैं, तो दैट इज अनदर रीजन. बट अगर आपको नाइकी शूज चाहिए तो उसके लिए आप नाइकी के स्टोर ही जा रहे होगे अल्टीमेटली, ठीक है. क्यों? बिकॉज वो एक ब्रांडेड स्टोर है, आपको पता है कि वो सर्टन ब्रांड गाइडलाइन, सर्टन रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज वगैरह हर चीज फॉलो कर रहा होगा, रिगार्डलेस के वो महंगा है, बट आपको पता है कि 100% ओरिजिनल चीज मिल रही होगी, और रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ये पॉलिसी वो पॉलिसी, सारी चीजें फॉलो हो रही होंगी. आप लोग को शायद पता होगा कि नाइकी का ये रूल है कि अगर एक साल, आई थिंक एक साल के अंदर, बिकॉज मेरे फ्रेंड ने ये करा था, अगर विद इन एन ईयर अगर आपकी नाइकी शू का कोई एक थ्रेड भी अगर उखड़ जाता है या बाहर आ जाता है बिल्कुल स्लाइट सा भी, तो उसको जाके आप फुल रिफंड करा के दूसरा कोई शू ले सकते हो, दूसरा कोई स्नीकर या कोई भी जॉगर्स ले सकते हो, सही है. तो लोग क्यों निश बेस और वन प्रोडक्ट स्टोर के ऊपर कंपैरेटिवली ज्यादा बिलीव करते हैं, ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं, उसका रीजन यही है क्योंकि इन स्टोर्स की जो रिफंड पॉलिसी
ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से वो रिफंड पॉलिसी, क्योंकि आपने ब्रांड स्टोर बनाया हुआ है तो वो रिफंड पॉलिसी ज्यादा अच्छी हो गई, लेकिन लोगों का ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट है कि लोगों का ट्रस्ट ज्यादा होता है ब्रांडेड स्टोर के ऊपर, या कोई निश बेस्ड स्टोर के ऊपर, या वन प्रोडक्ट स्टोर के ऊपर, ठीक है। सो जनरल स्टोर पे इसलिए भी थोड़े मसले आ जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपने जनरल स्टोर बनाया, आपने 100 से 300 प्रोडक्ट्स रख दी, ठीक है। अब आपने जो 100-300 प्रोडक्ट्स रखी है ना, इट इज हाईली लाइकली कि वो सिंगल सप्लायर की नहीं होंगी। इट इज हाईली लाइक, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% नहीं होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि हाईली लाइकली चांसेस ज्यादा है कि वो सिंगल सप्लायर की ना हो। जब वो सिंगल सप्लायर की नहीं है और आप नए ड्रॉप शिपर हैं, तो आप करते क्या हो कि आप अली एक्सप्रेस पे जाते हो और हर उल्टा सीधा जो है ना सप्लायर इंपोर्ट करना शुरू कर देते हो अपने स्टोर के ऊपर उनके प्रोडक्ट्स को। अब बहुत सारे सप्लायर्स ने बेसिकली फेक रिव्यूज ऑन बोर्ड लिए हुए होते हैं, यू कैन कॉल इट व्हाट एवर यू वॉन्ट, सही है, ताकि उनकी रैंकिंग बढ़े। अब जब उसके ऊपर रियलिस्टिक ऑर्डर्स पड़ना शुरू होते हैं, तो उसकी वजह से जो है बेसिकली रिफंड इश्यूज आते हैं, ब्रोकन बेसिकली प्रोडक्ट पहुंचता है कस्टमर के पास, तो उसके ऊपर जो है रिप्लेसमेंट इश्यूज होते हैं, रिटर्न इश्यूज होते हैं, इस तरह के दूसरे मसले होते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी एग्जैक्टली वो नहीं होती, या जो भी वट एवर यू थिंक दैट इज, ठीक है। या ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ज्यादा लेट पहुंचा, सो फुलफिलमेंट और शिपिंग में एक टाइम होता है, फुलफिलमेंट में एक टाइम होता है, और फिर ऑब्वियसली उसके बाद शिपिंग होती है। तो बहुत सारे सप्लायर्स गलत झूठ फुलफिलमेंट लिख देते हैं कि हम फुलफिलमेंट जो है वो एक दिन में कर देते हैं, वेयर एज जब आप ट्रैक करते हो ऑर्डर को तो पता चलता है 5 दिन के बाद भी वो अभी तक फुलफिलमेंट में ही फंसा हुआ है, अभी तक शिपिंग की तरफ गया ही नहीं है वो, ठीक है। तो ये देखिए प्रेजेंटेशन स्लाइड्स मैं आप लोग को एंड में भेज दूंगा, बेहतर ये है कि आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, भेज दूंगा मैं आप लोग को, ठीक है। इंक्रीज इन एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ये मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। जनरल स्टोर पे पोटेंशियल होता है, काफी सारे प्रोडक्ट्स आपके पास होते हैं, तो आप बेसिकली बैचेस बना देते हो कि ये अगर किसी ने, लेट्स सपोज आपके पास 50 डॉग प्रोडक्ट्स हैं, 50 गैजेट्स हैं आप लोग के पास, 50 आप लोग के पास किचन आइटम्स हैं, तो अगर किसी ने किचन आइटम के साथ चेकआउट कर रहा है, तो आप लोग वो बेसिकली बैक एंड पे एक ऐप यूज करके बता देते हो, आप बेसिकली ग्रुप कर लेते हो सारे किचन आइटम्स को एक साथ, और आप बोलते हो कि यार अगर ये किचन आइटम्स के साथ चेकआउट कर रहा हो तो इसको ये सारे प्रोडक्ट्स दिखा देना, तो आपकी उसमें चांस होता है कि आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाए। निश स्टोर के साथ जो है वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, और वन प्रोडक्ट स्टोर के साथ भी होता है। आई विल नॉट से नॉट एप्लीकेबल, एक्चुअली मैं इसको चेंज कर दूंगा, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट एप्लीकेबल, ये गलत है। I will change this. I will change this. ठीक है। So circle of potential buyers is huge pool in general store. Niche specific में medium high है और one product में specific है। So circle of potential buyers ये आप लोग खुद समझ सकते हो। I think ये self explanatory है कि क्यों ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। Competition level जो है वो बहुत high होता है general stores में। निश स्पेसिफिक में मॉडरेट होता है, वन प्रोडक्ट में लो होता है। वर्क रिक्वायर्ड इज एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग व्हेन इट कम्स डाउन टू जनरल स्टोर। जनरल स्टोर अगर आप चाह रहे हो सक्सेसफुल चले आपका, आपको रोज 15-15, 10-10 प्रोडक्ट्स, 5-5 प्रोडक्ट्स जो है इम्पोर्ट करने होंगे अपने स्टोर पे, डिपेंडिंग के वो अभी स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है, और अगर वो कंप्लीशन हो चुकी है फिर भी आपको रोज 3 से 4-5 रोज प्रोडक्ट हंट करने ही करके ऐड करने हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक नॉर्मल बिहेवियर है जनरल स्टोर का, सही है। इजी टू अडैप्ट टू, निश बेस्ड का है और वन प्रोडक्ट का तो वेरी इजी है, बस आपको जो ओवरऑल लुक एंड फील वन प्रोडक्ट के हिसाब से बनाना है। अचीविंग एसईओ इज हार्ड इन जनरल स्टोर बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। निश बेस्ड के लिए मॉडरेट होता है और वन प्रोडक्ट के लिए कंपैरेटिवली इजी है। कन्वर्जन रेट जो है वो जनरल स्टोर का लो है। इट्स नॉट लाइक लो, व्हेन आई से लो इट डज नॉट मीन कि होता नहीं है कन्वर्जन,
प्रोबेबली द राइट वर्ड वुड बी कि अगर लेट्स सपोज जनरल स्टोर का कन्वर्जन रेट 1 to 2% है, राइट इट डाउन ओवर हियर, ठीक है, तो इसका जो होगा ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 3 to 5% के बीच में होगा, इसका 5 to 7% के बीच में होगा, बिकॉज आप बहुत स्पेसिफिक अवाम लेके आ रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक अवाम लेके आ रहे होते हो, इस वजह से मैं ये आप लोग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 100 लोग भेजे, ट्रैफिक भेजा, 100 लोगों का ट्रैफिक आया आपकी वेबसाइट पे, सही है, 100 में से 1% लोग कन्वर्ट हो गए, इसमें 2 से 3% लोग कन्वर्ट हो गए, इसमें 3 से 5% लोग कन्वर्ट हो गए, ठीक है, ये मैंने लिख दिया आप लोग के लिए ताकि आप लोग को आइडिया रहे इस बात का। ठीक है, एग्जैक्टली सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है इट्स ऑल ओवर द प्लेस, मतलब बेसिकली जनरल स्टोर के लिए तो ये होता है कि यार जो करो सो करो, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, राइट, निश स्पेसिफिकली वेरी टारगेटेड एंड ऑब्वियसली वन प्रोडक्ट के लिए इज एक्सट्रीमली टारगेटेड, सो लेट्स हेड ऑन, जनरल स्टोर की कुछ एग्जाम्पल्स ये रही, ये सारी हैं जिन्होंने मेरा बीबीसी में देखा हुआ है, उन्होंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स मुझे देते हुए देखा होगा इनका, हो सकता है इनमें से कुछ साइट्स रिडंडेंट हो गई हो, आप काम नहीं कर रही हो, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा मशहूर है एंड प्रोबेबली दुनिया के टॉप 5 ड्रॉप शिपिंग स्टोर में आता है वो है इंस्पायर अपलिफ्ट, इसकी मैं बार बार एग्जाम्पल देता रहता हूँ, इन्होंने जनरल बेस्ड एक ब्रांडेड स्टोर बनाया इन्होंने, सही है, इट्स मतलब दे कैन शेयर वॉट एवर दे वॉन्ट ऑन देयर स्टोर, सो इट्स जनरल बेस्ड बट एक ब्रांडेड स्टोर बना दिया इन्होंने, सही है, निश बेस्ड स्टोर की एग्जांपल्स ये रही और जनरल, सॉरी, और सिंगल प्रोडक्ट स्टोर एग्जांपल्स ये रही, ठीक है, कोविड-19 ड्रॉप शिपिंग स्ट्रेटजी, वेल मैं थोड़ा सा बता दूं ये भी चेंज हो गई है, तो ड्रॉप शिपिंग इज एवर इवॉल्विंग, ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि ड्रॉप शिपिंग जब स्टार्ट हुई थी 2015, आई थिंक 2015-16 में हम लोग ने स्टार्ट करी थी, और वैसे भी 2015 में शायद स्टार्ट हुई थी, तो ड्रॉप शिपिंग जब स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त जो है स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट थी, और फिर बहुत तेजी से चीजें इवॉल्व हुई हैं और होती जा रही हैं, आज जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, मतलब आजकल के टाइम में पिछले 3 से 6 महीने में कोविड-19 में भी जो स्ट्रेटजी है वो इवॉल्व हुई है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें शायद चेंज हो गई हो, ये मैंने ऑलमोस्ट 4 से 6 महीने पहले ये वाली चीजें लिखी हुई थी, लेकिन मैं आप लोग को अपडेट कर देता हूँ उसके ऊपर क्या है, देखिए फ्लाइट अब थोड़ा बहुत चलना शुरू हो गई है, ई पैकेट जो है वो जहर है, ई पैकेट के लिए अभी ऑप्टेन मत करना, ई पैकेट के लिए करोगे तो रोगे, उसका मेनली रीजन ये है कि फ्लाइट्स के मसले चल रहे हैं, डिले हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, तो अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग के साथ रहो तो बेहतर है, सही है, ई पैकेट इज अ शिपिंग बेसिकली ड्रॉप शिपिंग, अली एक्सप्रेस के ऊपर सबसे सक्सेसफुल शिपिंग मेथड जो है वो ई पैकेट है, सही है, ई पैकेट एग्जैक्टली, तो अब या तो अब सवाल ये आता है कि सर अगर ई पैकेट जो है वो डिसेबल्ड है या ई पैकेट सही, बाय द वे अभी तो रीसेंट टाइम्स में तो ई पैकेट आ भी नहीं रहा था अली एक्सप्रेस में, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ई पैकेट तो बंद ही कर दिया था, मतलब किसी के पास ई पैकेट आ ही नहीं रहा था ऑप्शन, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुकिएगा जरा, वेट वेट, इस तरह नहीं, ठीक है, तो अब गौर से सुनिएगा जो मैं बात बताने वाला हूं, मैंने अली एक्सप्रेस का यहाँ पे ये प्लगइन डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने पास क्रोम एक्सटेंशन में, यहां पर जब कोई भी प्रोडक्ट ई पैकेट होता है, यार आप लोग वीडियोस बार बार क्यों ऑन करते रहते हो,
जब कोई भी प्रोडक्ट, फिर कोई आ गया, जब कोई भी प्रोडक्ट ई पैकेट पे होता है ना, एक्सक्यूज मी आई एम सॉरी, तो वो जो है ना ऑटोमेटिकली यहां पे ग्रीन कलर में दिखा देता है कि ये ई पैकेट है। मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूं, अली एक्सप्रेस ई। मेरे ख्याल से एग्जांपल इसकी नजर आ जाएगी, ये देखिएगा, ये देख रहे ई पैकेट लिखा हुआ है और ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर ई पैकेट के अली एक्सप्रेस आपसे कितने पैसे ले रहा है, $1.96, $2.44, $2.25 एंड सो एंड सो फोर्थ। ई पैकेट के पैसे भी बहुत कम होते हैं, ई पैकेट पे फ्री शिपिंग भी होती है, और उसके अलावा ई पैकेट जो था बेसिकली बहुत सक्सेसफुल एक नया फॉर्म आया था। आप बेसिकली अभी मैं सीजे वगैरह की तरफ भी आऊंगा, फिलहाल अभी नहीं। तो ई पैकेट हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल वन, बट आई विल से के कोविड टाइम्स में ये बहुत टेरिबली फेल कर गया है। डू नॉट ऑप्ट इन फॉर ई पैकेट एनी मोर, नहीं तो पछताओगे। और अगर तुम लोग को जाना ही है किसी उसके साथ शिपिंग मेथड के साथ, तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। तुम लोग को करना सिर्फ ये है, तुम लोग प्रोडक्ट के ऊपर आए और ships from यूनाइटेड स्टेट्स के वेयर हाउस में रखा हुआ है तो यूएस सेलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पे रशियन रशियन फेडरेशन है, चाइना है, सही है, यहाँ पे हमारे पास सारे आए यूएस करा, और उसके बाद यहाँ पे कैन नॉट डिलीवर टू पाकिस्तान, इसको चेंज करके तुम लोग करो यूनाइटेड स्टेट्स। और कितने दिन में कर रहे हैं, एट टेन, ओके, दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसके साथ मत जाओ, ठीक है। यू हैव ऑप्शन, यू जस्ट हैव टू देखे, जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को सर्च करके दिखाया ना, आपको एग्जैक्टली इसी तरह सर्च करना होगा। मैं एक दो चीजें और चेक कर रहा हूं ताकि मैं जल्दी जल्दी या एक मिनट रुकिएगा आप लोग जरा। अब वो जाहिर सी बात है आसपास के यूरोपियन जो भी कंट्रीज होंगे उसमें जल्दी करेगा, थोड़ा सा इसमें सर्च करना पड़ता है, लेकिन आप लोग को जो है ना मिल जाता है सही सप्लायर। और एक चीज और मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, जब सप्लायर सही मिल जाए वहां पे कोई भी अपने हाथ पांव बांध के ना बैठ जाए, उस पे जाके सप्लायर से जाके बात करे, बोले कि यार मुझे ये यूएस करवाना है, ये क्या आपके वाकई यूएस के वेयर हाउस में रखा हुआ है, और इसका एक्चुअल शिपिंग टाइम क्या है। बेसिकली अली एक्सप्रेस नहीं है, अब टाइम हो गया ये करते हुए, सही है, ये ऑप्शन दे दिया है। मेरे ख्याल से इन्होंने शायद इस पर्टिकुलर कैटेगरी में शायद हटाया हुआ होगा, बट मैं एक काम करूंगा कि इसके ऊपर भी जो है ना, जरा मैं एक मिनट लिख लूं अपने पास, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, एक मिनट रुकिएगा जरा मैं अपने पास लिख लूं ताकि आप लोग के पास ये चीज अवेलेबल हो। जी ठीक है, एक और कोई कैटेगरी चेक कर लेता हूँ, लेट मी थिंक इधर से ही आइडियाज मिल जाएंगे। Thank you.
अगर इन 5 में नहीं मिला तो मैं अभी मूव ऑन कर जाऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि टाइम लगे इस चीज में ज्यादा, लेकिन क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना है तो मैं दिखाना चाह रहा था। ये देख लें, यहां पर आ गया, ये सिर्फ $3 ले रहा है और ये यूएस में से ही शिप कर रहा है, यूएस के वेयर हाउस से ही लोगों को शिप कर रहा है। तो ये 4 to 7 days के अंदर जो है ना ये आइटम चला जाएगा। एंड देखिए इसकी सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, इसके 4.7 रिव्यूज हैं, ओ सॉरी 4.7 टोटल 25 रिव्यूज हैं, लेकिन इसके टोटल 11,000 ऑर्डर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रॉब्ली कोई नया सप्लायर होगा, बट इस तरह के आप लोग को सप्लायर्स मिल जाएंगे। ठीक है, यूजली आप लोग को मिल जाएंगे ऐसे, इसके अच्छे खासे रिव्यूज भी हैं। United States, 4 to 13 days of shipping, आप इसके लिए भी ऑप्ट इन कर सकते हो। देखिए कैरियर जो इसमें वो है USPS, तो आप लोग इसके ऊपर सही से ट्रस्ट भी कर सकते हो। ट्रैकिंग भी दे रहा है आपको, कॉस्ट भी बहुत कम है कंपैरेटिवली। ठीक है, सिंस कंसिडरिंग के USPS है और ये विद इन US ही शिप कर रहा है चीजों को। ये मैं आप लोग को बताऊंगा। असल में होता क्या है, मैं आप लोग को थोड़ा सा एक जिस्ट दे देता हूँ, लेकिन डिटेल में आप लोग को बाद में बता रहा हूँ। ये आप लोग देख रहे हो, ये जो ओबेल्लू का एक्सटेंशन है, ये वन क्लिक पर, एक क्लिक क्लिक पर जो है ना, ये देख रहे हैं, मैं जैसे इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये आ रहा है, यहाँ पे आइकन आ रहा है, ये यही आइकन है जो यहाँ पे टॉप राइट पे आ रहा है। सही है, तो ये वन क्लिक पे जो है ना, ये आपके इस प्रोडक्ट को उठा के आपके शॉपिफाई स्टोर पे इम्पोर्ट कर देगा। सही है, अब डिटेल्स क्या है इसकी वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोग को सिर्फ अभी एक आइडिया देना चाह रहा था कि इस तरह दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे दो चीजें बता दी हैं कि आप लोग ने बेसिकली सप्लायर हंट कैसे करना है, ओबेल्लो OBERLO। सही है, आप लोग ने सप्लायर हंट कैसे करना है और इसको इम्पोर्ट कैसे करना है। ओके, सो दिस इज वन थिंग। तो बेसिकली हमारे EC कम्युनिटी में ना ज्यादातर लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा मुझसे ये बोल रहे होते हैं, एंड प्रोबेबली मेरे लास्ट सेशन में जो था, जो मेरा ECBC का जो लास्ट बैच था, उसमें मैं उनको ये टेक्निक नहीं बता पाया था। प्रोबेबली शायद मैं स्किप कर गया था, या मैं भूल गया था, या क्या था, या क्योंकि बहुत सब इतना कुछ होता है ड्रॉप शिपिंग में, तो मैं नहीं बता पाया। इस बार मैंने अलग से लिख भी लिया है कि मुझे ये ऐड करना है आप लोग के पास और मजीद। तो इससे क्या होगा, आप बहुत सारे लोग बोल रहे थे अली एक्सप्रेस पे मत जाओ, उनके पास सप्लायर सही नहीं होते, उनके उनके थ्रू नहीं करो। ऐसा नहीं है, अली एक्सप्रेस के पास बहुत अच्छे सप्लायर्स होते हैं, उनके अपने वेयर हाउस US में खड़े हुए होते हैं। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, अली एक्सप्रेस एक दुनिया है प्रोडक्ट्स की, वहां से भी आपको सही सप्लायर्स मिल जाएंगे। बस सही अच्छे सप्लायर्स को हंट करने का भी एक आर्ट होता है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो, ये एक और एक्सटेंशन है जो यहां से जब मैं इस तरह करता हूँ तो उसकी डिटेल्स दे रहा है। ये भी एक्सटेंशन है, अली एक्सप्रेस पे बाय डिफॉल्ट नहीं आता जब ये होवर कर रहा हूं मैं इसके ऊपर। सही है, इस एक्सटेंशन का नाम मेरे ख्याल है आई थिंक अली इनसाइडर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस एक्सटेंशन का नाम है अली अली इनसाइडर। तो ये आपको बता रहा है कि 46 पीसेस पर डे इसने बेचे हैं। सही है, 18.5 इसकी, आई डोंट नो व्हाट, ये $185 की इसकी टोटल सेल है पर डे की। ये आपको बता रहा है कहां पे कितने दिन में भेजेगा और क्या प्राइस लेगा, और उसके अलावा ये कि एक और चीज होती है इसमें, मैं जरा आप लोगों को देख के बता रहा हूँ, रिलायबिलिटी इसमें एक होता है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें अभी मुझे नजर नहीं आ रही फॉर सम रीजन। इसमें एक और चीज होती है, वो होती है ड्रॉप शिपर जो सप्लायर है उसकी रिलायबिलिटी। इसको चेक करने का एक और तरीका भी होता है, वो है थ्रू ड्रॉप शिपिंग स्टोर, लेकिन अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, आई विल कंप्लीट व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू गाइस। ठीक है, तो आई होप कम से कम सप्लायर सर्च करने की बेसिक मैंने आप लोग को आउटलाइन दे दी है, आप लोग को कैसे सर्च करना है। सही है, यू कैन गो विद अलीबाबा। अच्छा, तो मोहम्मद अजहर ने एक सवाल करा है कि क्या मैं अलीबाबा के सप्लायर्स के साथ जा सकता हूँ अगर अली एक्सप्रेस पे मुझे सप्लायर नहीं मिल रहा। आप जा सकते हो, लेकिन आपको फिर कोई टूल ढूंढना पड़ेगा ऑटोमेशन का जो कि आपकी ऑटो फुलफिलमेंट कर दे फ्रॉम योर स्टोर। मैं जो ओबेल्लू जो करता है ना, वो क्या करता है, वन क्लिक पे सब कुछ ऑटो, आपका क्लिक ऑटोमेटिकली हो रहा होगा, आपको अपना माउस छोड़ देना होगा और वो ऑटो फिल करता रहेगा आपके पूरे जाके अली एक्सप्रेस के स्टोर पे ना
कस्टमर का प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऑर्डर कर देगा, ठीक है? आपको कोई ऐसा टूल ढूंढना होगा, इफ यू डोंट हैव प्रॉब्लम विद मैनुअल वर्क देन आपको वो मैनुअली करना होगा, ठीक है? एग्जैक्टली, ऑटो पायलट पे होता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो ये बेसिकली Obeldu और थर्ड पार्टी टूल्स जो है, इनमें बेसिकली ऑटोमेशन का काम बहुत अच्छा हुआ हुआ है. तो इस वजह से मैंने बेसिकली सजेस्ट करा. ऑब्वियसली Obeldu के अलावा और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, दे लाइक अच्छे वाले 10 से 15 हैं और, लेकिन Obeldu इज सबसे ज्यादा मशहूर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इट्स द मोस्ट रिनोन्ड बिकॉज ये एज फार एज आई थिंक ये सबसे पहला था, ठीक है? उस टाइम मुझे नहीं याद पड़ा कोई और निकला था. क्या एक सवाल प्लीज आप लोग शीट पे कर लो, आप मैं जरा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ. ऑप्टिमाइजिंग पेजेस फॉर कन्वर्जन. सो कोविड के लिए ऑप्टिमाइजिंग पेजेस फॉर कन्वर्जन्स, मेकिंग फिक्सेस, बिकॉज उस वक्त की बात कर रहा था मैं जिस वक्त लोगों ने बिल्कुल अपनी सेल्स बंद कर दी थी ड्रॉपशिपिंग में. आई वुड से कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, इनफैक्ट मैं इसको डिलीट कर दूंगा. लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा, आई वुड से इसको मैं थोड़ा सा रिनेम कर देता हूँ मेकिंग फिक्सेस को. इफ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम और आप कुछ नहीं कर रहे ड्रॉप शिपिंग में, देन यू शुड ऑप्टिमाइज पेजेस फॉर कन्वर्जन्स, इंप्रूव सोशल चैनल्स, फिक्सिंग प्रोडक्ट फोटोज. फोटोज के ऊपर आप लोग के चाइनीज सप्लायर के नाम लिखे हुए होते हैं, उनको हटाओ, डिलीट करो, साफ फोटोज लगाओ, अच्छी हाई डेफिनेशन फोटोज लगाओ, गेट ईमेल जर्नी सॉर्टेड आउट ताकि तुम लोग की रीटारगेटिंग वगैरह स्पॉट ऑन हो रही हो, ताकि अगर कोई पहली बार प्रोडक्ट ऑर्डर करे तो तुम उसको सेकेंड प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए, इंटाइस करने के लिए तुम लोग उसको कोई डिस्काउंट कोड दो. स्ट्रेटेजाइज हाउ टू गो अबाउट आफ्टर एवरीथिंग गोज नॉर्मल, ठीक है? ये खैर पुराना था तो काफी जगहों पे अब चीजें नॉर्मल हो गई हैं, ठीक है? व्हाट ड्रॉपशिपर्स आर डूइंग, इन्फॉर्म योर कस्टमर्स इन एडवांस अबाउट डिलेज. सो दे हैव अ स्टिकी अनाउंसमेंट ऑन टॉप ऑफ देयर हेडर ऑफ द वेबसाइट, ठीक है? जो कि बताता रहता है कि भाई दे मे फेस डिलेज. तो ये आप लोग के लिए नहीं है, बिकॉज आप लोग का प्रॉबेबली जो लोग जनरल बेस स्टोर कर रहे हैं उनको हाईली लाइकली चांसेस हैं दे हैव टू डू दिस. जिनका जनरल स्टोर नहीं है, वो निश बेस स्टोर खोल रहे हैं, तो वो तो डायरेक्टली अपना वेयर हाउस यूएस में रखें, और अगर वो यूरोप की तरफ कर रहे हैं तो वो अपना रशियन फेडरेशन या स्पेन का रखें. So, yeah, talk to your suppliers, ask them about current processing times and place orders yourself. Order yourself if necessary. मतलब अगर आपको लगता है कि इस और इसके orders delayed होंगे, तो आप खुद से उसका order place करके देखो अपने पास और देखो कि उसका कितना देर में आप वो product आपके पास पहुंच रहा है, ठीक है? Overall suggestion उस वक्त जो मैंने दिया था, in situation like these, take the time to learn as much as you can. Okay, this is for that particular time, जब बहुत ज़्यादा crazy और tough time चल रहे थे. अब तो बहुत सारी markets खुल गई हैं, so you can still go about doing it. ये niches अभी भी मशहूर चल रही हैं, आप लोग देख सकते हो उसके अंदर. Niches working for COVID-19, office furniture, अभी भी लोग office furniture कर रहे हैं. मैंने कोई तकरीबन अच्छा खासा महंगा office का setup डाला अपने घर पे. Sports clothing and accessories, गेमिंग एक्सेसरीज, फैमिली गेम्स, कंप्यूटर, मोबाइल गेम एक्सेसरीज, टॉयज हो गए बच्चों के, कुकिंग एक्सेसरीज, किचन इक्विपमेंट, क्लीनिंग इक्विपमेंट, हेयर एक्सेसरीज, हेल्थ एंड वेलनेस. तो दो ये उस वक्त बहुत स्ट्रिक्टली चल रहे थे, अब दूसरी निशेस भी चल रही हैं, सही है? लेकिन अभी भी ये चल रही हैं, तो यू कैन ऑल्सो लुक इन टू दिस. और कुछ लोग मुझसे पूछ, हो सकता है कुछ लोग बोल रहे हो कि सेल्फ स्टेरिलाइजिंग एक्सेसरीज वो हेल्थ एंड वेलनेस में ही आती हैं. जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली देखा था, एक लाइट मुझे नजर आई थी जो कि बेसिकली यूवी लाइट है, सही है? एंड दैट बेसिकली स्टेरिलाइजेस योर रूम फॉर एनी जर्म्स और कोविड जर्म्स वगैरह या जो भी होते हैं, सही है? तो लेकिन वैसे ये मैं आप लोगों को पहले से बता देता हूँ, यूवी लाइट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो आप ये कर सकते हो कि आप लाइट ऑन करके रूम से चले जाओ और फिर एक दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद वापस आ जाओ, ठीक है? हैंडहेल्ड है, लेकिन अभी रिसेंटली हैंडहेल्ड का तो मुझे पता है, लेकिन उसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने एक वो लाइट भी देखी थी कि जो कि बेसिकली अपने रूम में आप जला के छोड़ दो. बहरहाल ओके, सो अब जो मैं बताने वाला हूं वो प्रोडक्ट वैलिडेशन स्टेप्स हैं जो आप लोग को फॉलो करने हैं,
और आई होप मिनट रुकिएगा। हाँ, सो प्रोडक्ट वैलिडेशन क्या होती है, गुड विनिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। जब आप लोग ने अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है अली एक्सप्रेस से या किसी भी जगह से, तो पहले तो आप लोग ने कुछ चीजें ख्याल में रखनी है जब आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो। एक चीज मैं आप लोग को आज बता देता हूँ, और मैं प्रोबेबली हर सेशन में एक दो बार रिपीट कर रहा हूँ, वो ये है कि देखें, आप लोग प्रोबेबली बोलोगे कि हम कब आपको अपने प्रोडक्ट्स दे रिव्यू करने के लिए, और प्रोबेबली कुछ आप लोग में कुछ कुछ लोगों ने शायद शीट पे लिख भी दिया हो ये सवाल। तो मैं ये बता देता हूँ कि देखें, प्रोडक्ट आप लोग मुझे दें जब प्रोबेबली ये तीसरे या चौथे सेशन में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब प्रोबेबली मेरी टीम फाइनल हो जाएगी। हैविंग सेड दिस, मैं रियलिस्टिकली आप लोग को एक बात बता देता हूँ, ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री जो है ना, वो किसी के प्रोडक्ट अप्रूवल का वेट नहीं करती। इट्स नॉट लाइक कि आप एमेजोन पे एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो चलो ठीक है, आपने बहुत सोच समझ के एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, ऐसा ही है, क्योंकि आपकी उसके ऊपर $10,000 से लेके $70,000-80,000 तक की इन्वेस्टमेंट लगी हुई होती है। इसके ऊपर ना, अगर आप उस पे समझ आता है, आप वेट करो, प्रोडक्ट रिसर्च करो, या आप प्रोडक्ट खरीद लो $300 से $700 का, या तो आप खुद से रिसर्च करके उसको लॉन्च कर लो, मेकिंग श्योर के वो बिल्कुल सही प्रोडक्ट है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री में अगर आप लोग इतना वेट करोगे ना, तो अगर एक प्रोडक्ट आपने दिया है, आप लोग का अमेजोन का प्रोडक्ट वैसे आइडियली कितने अरसे में अप्रूव होता है? मैं एक बात पूछ रहा हूं, मैं एक बात एवरेज टाइम बोल रहा हूं, मैं मिनिमम टाइम नहीं बोल रहा, मैं एवरेज टाइम बोल रहा हूं। एग्जैक्टली तो अब आप ये जरा बात सुनो गौर से, हमारे पास 200 लोग तो नहीं है इसी में प्रोडक्ट हंट मतलब अप्रूव करवाने के लिए। ऑब्वियसली मैं बेसिकली ड्रॉप शिपिंग के लिए बोल रहा हूँ, पीएल के लिए नहीं बोल रहा। तो हमारे पास 200 लोग तो नहीं है ना, हमारे पास हो गए क्या, एक बंदा मेरे साथ टीम में काम कर लेगा, दो बंदे कर लेंगे, और रोज हमारा सिर्फ ये तो काम नहीं है, इसी में तो बहुत सारी चीजें, वन वन लोगों के साथ, वन वन के स्टूडेंट्स के साथ कॉल्स स्केड्यूल्ड हैं, इलीट के साथ को असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, बीसी को जो है ना रिप्लाइज करने हैं, कम्युनिटी देखनी है, क्लासेस है हमारी, ट्रेनिंग क्लासेस है हमारी, कुछ मेरे पुराने पेंडिंग हैं, फिर उसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हमारे ईसी के अंदर चलते रहते हैं, वो भी मैं लुक आफ्टर करता हूँ, जैसे कुछ मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह, और फिर हमारे सबके अपने काम है, तुम लोग के भी होंगे, हमारे भी हैं। तो अब तुम लोग रियलिस्टिकली सोचो जरा 2 सेकंड, जो लोग मुझसे ये बोलते हैं, और पिछली बार भी बोलते हैं, सर हम कब दे प्रोडक्ट अप्रूव कराने के लिए, कब दे प्रोडक्ट अप्रूव कराने के लिए। भाई पहली बात, आप लोग खुद ये बात बोल रहे हो कि एक टीम होगी ईसी की या कहीं पे भी जो कि प्रोडक्ट अप्रूव कराती है, सर्टेन पैरामीटर्स को देख के, वैलिडेशन पॉइंट्स हैं उनको देख के। अब आप लोग 2 सेकंड के लिए खुद सोचो कि अगर मैं मिनिमलिस्टिक टाइम भी दूं आप लोग को प्रोडक्ट अप्रूव कराने का, और वैलिडेशन पॉइंट्स के थ्रू वो गुजरे या पैरामीटर्स के थ्रू गुजरे, तो मैं मिनिमम कितना टाइम दे सकता हूं? 2-3, 2 हफ्ते दे सकता हूं मैं मिनिमम, 3 हफ्ते दे सकता हूं मिनिमम। वो 2-3 हफ्ते में ना आपका सीजन खत्म हो जाएगा उस प्रोडक्ट का, या सीजन या ट्रेंड खत्म हो जाएगा, और वो कोई और सेल्स करके बैठ चुका होगा, खत्म कर चुका होगा, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग ऐसे नहीं चलती, ड्रॉप शिपिंग है एजाइल, आज प्रोडक्ट हंट करा, आज वैलिडेट करा, कल स्टोर बनाया, परसों स्टार्ट कर दिया, दिस इज ड्रॉप शिपिंग। अगर आप लोग मेरे 1-2 हफ्ते प्रोडक्ट अप्रूव कराने का वेट करते हो, और सही है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं 1-2 हफ्ते में आप लोग का प्रोडक्ट अप्रूव कर दूंगा, लेकिन अगर आप लोग को ये लगता है कि उस 1-2 हफ्ते में आपका प्रोडक्ट चलता रहेगा, तो यू आर सो रॉन्ग। भाई आप लोग को ये समझना है कि जो प्रो ड्रॉप शिपर्स होते हैं ना, वो लोग स्पेंड करते हैं 1 महीने में 50-50 हज़ार, 50-50 हज़ार डॉलर एक प्रोडक्ट के ऊपर। चले मैं बोलता हूँ कि आप लोग ने सेफ खेलना है, और आपने 300 से $500 का मार्जिन रखना है, तीन में मेरे 300, 500, $700 बन जाए, ठीक है। आप लोग एम करते हो कि मेरे 300 से लेके $700 बन जाए, तो पहली चीज तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जनरल स्टोर के साथ जाओ, निश बेस या सिंगल प्रोडक्ट के साथ ना जाओ,
उसका रीजन ये है कि आप लोग का प्रोडक्ट टेस्टिंग बहुत तेजी से करनी है. आप लोग रोज रोज, आप लोग इतने एजाइल नहीं होगे कि आप लोग रोज एक स्टोर खड़ा कर दो. मुझे, मैं आपको अपना बता देता हूँ टाइम, क्योंकि मैंने बहुत बहुत स्टोर्स खड़े करे हैं, मैंने क्लाइंट्स के लिए भी, अपने लिए भी. मैं 4 घंटे में एक स्टोर पूरा रेडी खड़ा कर देता हूँ, पूरा रेडी खड़ा कर देता हूँ, हर चीज टक 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 टक, आदत हो गई है. हो सकता है देयर और भी ऐसे लोग होंगे ड्रॉप शिपर जो 2 घंटे में खड़े कर सकते हो. मैं जरा मैं प्रीमियम थीम के साथ बोल रहा हूँ, एंड सही है, आई एम श्योर स्टिल कि देयर मस्ट बी पीपल जो 2.5 घंटे में कर सकते होंगे, लेकिन फिर भी 4 घंटे इज अ वेरी ऑप्टिमल टाइम. सही है. तो अब आप, और मैं बोल रहा हूँ जनरल स्टोर की बात कर रहा हूँ, मैं वन प्रोडक्ट स्टोर की नहीं कर रहा, वन प्रोडक्ट स्टोर प्रॉब्लम में 2.5 से 3 घंटे में कर दू. तो अब आप लोग अगर रोज स्टोर खोलोगे सिंगल प्रोडक्ट, या निश बेस स्टोर हर 1-2 हफ्ते के बाद एक नया खड़ा करोगे, तो आप लोग रुल जाओगे. जनरल बेस स्टोर के लिहाज से आप लोग अपना $300 से लेके $700 का, मैं फिर बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, अगर तो एम आपका है कि $300 से $700 बन जाए मेरे, कभी 250 बन जाए, कभी 350 बन जाए, कभी 500 बन जाए, कभी 900 बन जाए, तो फिर तो आप जनरल स्टोर के साथ चले जाओ, कोई मसला नहीं है. ठीक है. लेकिन अगर आप लोग ज्यादा स्केल करना चाह रहे हो, तो फिर आप लोग निश या फ्रंट प्रोडक्ट की तरफ जाओ. फिर एक स्ट्रेटजी होती है हमारी, जिसमें हम लोग जनरल स्टोर बनाते हैं. जनरल स्टोर पे हम लोग, गौर से सुनिएगा फिर बता रहा हूँ, तेजी तेजी से प्रोडक्ट्स टेस्ट करते हैं. एक प्रोडक्ट टेस्ट करा तो दो, अब लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास 2 नाम आ रहे हैं, और गौर से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ. एक का नाम नुमान है फारूक, नुमान फारूक, एक का नाम है मोहम्मद शाहजेब खान, जो आखिरी दो लोग हैं जिन्होंने चैट करी हुई है. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. इन दोनों ने टीम बना ली. एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इन्होंने बोला यार मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रोडक्ट हंटिंग करूंगा और रोज प्रोडक्ट वैलिडेट करूंगा, नुमान ने बोला. शाहजेब ने बोला मैं रोज प्रोडक्ट्स को पुश करूंगा, तुम्हारे जो अप्रूव प्रोडक्ट्स होंगे वो शीट से उठाऊंगा, पुश करूंगा शॉपिफाई स्टोर पे, उसका पूरा प्रोडक्ट पेज बनाऊंगा और उसके ऊपर जो ना फॉरन फॉरन एड्स चलाऊंगा. तो ये टीम बन गई, आप लोगों ने टास्क डिवाइड कर दिए. अब ये रेगुलर प्रैक्टिस है और बहुत तेज प्रैक्टिस है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं फॉर अ फैक्ट, और इसके ऊपर मैं बहुत तरह से काम कर चुका हूं. ये बहुत तेज प्रैक्टिस है, ये एजाइल प्रैक्टिस है. अगर आप लोग ड्रॉप शिपिंग में बिजनेस करने का सोच रहे हो या काम करने का सोच रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा पैसे बन जाए, किचन इनकम बन जाए, तो आप लोग कुछ एजाइल रहना है. आप लोग ये नहीं कर सकते हाँ जी वो मुई साहब है वो प्रोडक्ट अप्रूव करेंगे अभी तो हमारा, ऐसे हो नहीं सकता आप लोग का कभी भी. आप लोग इतने स्लो हो जाओगे कि जिस वक्त आप लोग ने सोचा होगा ना कि हाँ ये प्रोडक्ट हम लोग क्या प्रमोट कर ले सर, ये 7 प्रोडक्ट्स से बता दें. अब सर ने जो है ना 3 दिन में करा, 3 दिन पहले किसी ने उसके ऊपर एड्स चलाना शुरू कर दिए, और जो खाऊ वो होते हैं ना क्या नाम है, मतलब पुराने ड्रॉप शिपर जो के बेसिकली उनका काम ही है ये, वो बोलते हैं हमें किसी बिजनेस में नहीं जाना, हमने कमाना ही इस पे. वो दिन के अगर उनको प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में नजर आता है ना, वो इतनी तेजी से स्केल करते हैं ना एड्स के ऊपर, $5,000-$5,000 $3,000-$3,000 $2,000 $10,000 पर डे भी लगा देते हैं वो. डिपेंडिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके खिलाफ ही मिलेगा वो, लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोग को एक बात. आई नो फ्यू, वेरी फ्यू, मतलब बहुत इक्का दुक्का 3 ऐसे ड्रॉप शिपर अंग्रेज ही है जिन्होंने $1 million भी लगाए विद इन 2 months एड्स के ऊपर. तो सोचो उन लोग का रिटर्न क्या होगा. तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग इतना स्लो वेट करोगे इस चीज का कि नहीं यार हो जाए, तो फिर वो तो कोई और आपकी जगह लेके बैठ चुका होगा, वो सैचुरेटेड हो गए होंगे प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट सैचुरेटेड हो जाएंगे. मेरी इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है. ओके, सो इफ यू आर न्यू, डू नॉट टेस्ट प्रोडक्ट्स दैट केटर टू ब्रॉड ऑडियंसेस अनलेस यू हैव एन ऑसम वीडियो एड. पहले तो ये दिमाग में रख लो. अगर आप लोग बेसिकली कोई प्रोडक्ट टेस्ट करना चाह रहे हो और वो बहुत कॉमन नजर आता है आप लोग को, ऐसा लगता है यार ये तो हर दूसरा बंदा चला रहा होगा, अगर तो आप लोग के पास कोई ऐसा वीडियो एड नहीं है जो स्टैंड आउट कर रहा हो या आप लोग ने खुद से बनवाया हो, तो उनको टेस्ट मत करो. अगर वो बहुत मासेस को, मतलब देखें बेसिकली मैं इसको बाइफिकेट कर सकता हूं, मासेस में 2 मासेस होती है बेसिकली. एक तो वो कि पूरी दुनिया को ये अप्लाई करता हो ऑलमोस्ट, और एक होता है कि मासेस मतलब 5 मिलियन की ऑडियंस को. तो 5 मिलियन की ऑडियंस वाली की बात नहीं कर रहा मैं इसमें बोल रहा हूं कि ऑलमोस्ट हर घर वाले को तकरीबन अप्लाई करता हूं. तो ये आप मत चलाओ, वो प्लीज उस पे एड्स मत चलाओ, ठीक है.
Always think about who you are going to target in the ad. If you can't immediately think of who to target, then don't test it. सही है, याद रखना इस बात को. High risk products. So ingestible products, products where you foresee liability, and medical products. इन products को आपने promote नहीं करना. दिमाग में बांध लो इस बात को. ये product अगर किसी ने आपका खरीदा और वो लटक गया, मतलब असल में ही लटक गया वो, तो इसका आपके ऊपर ठीक ठाक कोई आपके स्टोर के ऊपर जो ना कोई हिट आ सकती है, कोई लीगल इश्यूज आ सकते हैं, कुछ ऐसा मसला आ सकता है कि आपको जो है ना मतलब कोई कोई चीज बैकफायर कर जाए. खासतौर पे अगर आप टीयर वन कंट्री में रह रहे हो तो आप बहुत ही ज्यादा खतरे में हो. और कोई भी ऐसी चीज जो आप अपनी स्किन पे लगा रहे हो या आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो भी खतरनाक हो सकती है. कोई ऐसा गैजेट जो आपने अपनी स्किन पे लगा रहे हो और उससे कुछ हो रहा है. आई मीन आई एम नॉट सेइंग नहीं करना, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सोच समझ के करना है जो करना है. तो मैं आप लोगों को कुछ बता सकता हूँ, बड़े नाम सेंट गैब्रियल जर्मेन और बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो कि इंजेस्टिबल्स की तरफ भी जा चुके हैं. तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप सप्लायर से बात कर लो और पूछ लो कि क्या ये FDA, मतलब अगर कोई दवा तो नहीं है लेकिन क्या ये बेसिकली XYZ अप्रूव्ड है, मेडिकली अप्रूव्ड है, कोई इसके वो तो नहीं है. और प्लस उसके अगर 5000 रिव्यूज हैं पॉजिटिव तो वो सारे देख लो कि भाई इसमें कोई मसला तो नहीं हुआ. ठीक है. मीडियम रिस्क प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? मीडियम रिस्क प्रोडक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट आइटम्स. सही है. देखिए असल में ये प्रोडक्ट्स आपने प्रमोट करने हैं, ये प्रोडक्ट्स आपने प्रमोट करने हैं, लेकिन आपको करना क्या है, आपने इसके रिव्यूज देखने हैं, आपने सप्लायर की क्वालिटी देखनी है, आपने प्रोडक्ट क्वालिटी अपने पास मंगवा के भी एक बार देखनी है. आप शुरू में बेच लें, कुछ प्रोडक्ट्स बेच दें, कोई हर्ज नहीं है. 10 15 25 प्रोडक्ट्स बेच दिए, प्रॉफिटेबल रहे, गुड है. अपने पास भी एक मंगवा ले या अपने किसी दोस्त के पास मंगवा ले जो US में रहता हो, जिसके पास एक हफ्ते में प्रोडक्ट पहुंच जाए. क्योंकि पाकिस्तान में तो अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट 40 से 30 दिन में ही आता है, बहुत कम होता है कि 25 से 15 से 20 दिन में आ जाए. तो उससे मंगवा के पूछ लें कि भाई जो प्रोडक्ट क्वालिटी, जो प्रोडक्ट नजर आ रहा था कि वही प्रोडक्ट है और इसकी क्वालिटी कैसे, तो वो आपको बता देगा. ठीक है, एक तो बात ये हो गई. फॉल्टी डैमेज प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं एट टाइम्स, तो ये भी आप थोड़ा ख्याल रख लें कि जो सप्लायर सेलेक्ट कर रहे हो. मैंने आप लोगों को बताया कि सप्लायर की हेल्थ देखने का तरीका है और मैं आप लोगों को डिटेल में आगे जाके बताऊंगा. एक मिनट रुकिएगा. हाँ, तो इसका बेसिकली आप वो कैसे करते हो, कस्टमर अवेयरनेस, सॉरी आप बेसिकली जो है ना आप इसको चेक कर लो सारी चीजें. सो अच्छा, यूके के लिए जैसे है कि बैटरी टाइम्स जो है वो लॉन्गर शिपिंग टाइम्स हो जाती हैं. अगर आपका सप्लायर ने बोला अब ये 7 दिन तो हो सकता है वो फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज, कुछ होगा कोई खास रीजन कि यूके में जो है ना बैटरीज की वजह से लॉन्गर शिपिंग टाइम्स होती हैं. ऑब्वियसली इट्स डेंजरस गुड. सो आस्क सप्लायर इफ देयर इंस्ट्रक्शंस मैनुअल. तो बहुत सारे सप्लायर्स क्या करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स नहीं होते प्रोडक्ट को यूज करने के, और जब कस्टमर को नहीं पता होता, ऐसा मेरे साथ हो चुका है एक्चुअली में, और मैंने वो गलती से मैनुअल नहीं था, वो गलती से प्रोडक्ट टूट गया. मैं समझा कि इसको शायद ऐसे यूज करना है, ऐसे यूज करना है, गलती से टूट गया. तो बेहतर है इसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल बहुत ईजी से पड़ा हुआ था कि आप पढ़ के यूज कर लो उसको कि कैसे यूज करना है. एंड ऑलवेज इंस्पेक्ट बाय बाइंग द प्रोडक्ट, ये मैं आपको बता चुका. Before scaling it, मतलब हल्की फुल्की सेल्स आती रहे मसला नहीं, लेकिन बिफोर स्केलिंग इट. मीडियम प्रोडक्ट्स में जो है आपके प्रोडक्ट्स जैसे ये आपके मर्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. अगर आप लोग को मर्क की तरफ जाना ही है तो मैं आप लोग से बोलूंगा प्रिंट ऑन डिमांड की तरफ चले जाओ. सिंपल, मैंने प्रिंट ऑन डिमांड करा हुआ है, इंशाल्लाह ताला कुछ इसके ऊपर बहुत जल्दी हम लोग बात करेंगे. प्रिंट ऑन डिमांड एक बहुत प्रॉफिटेबल निश आई मीन बिजनेस है, ये भी बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है. मैंने तकरीबन 4000-3000 डॉलर खर्च करके इसके ऊपर 10000 डॉलर प्रॉफिट में कमाए थे, वो भी सिर्फ 3 से 4 महीने में. ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा. मर्क, मर्क बेसिकली कपड़े, सही है. सो इसका मसला ये होता है कि साइज चार्ट्स जो होते हैं चाइनीज ने, चाइना के सप्लायर्स ने अपने लगाए हुए होते हैं. कभी कभी उन्होंने दिखाया हुआ होता है कि अगर एशियन है आप तो ये साइज चार्ट्स आप देख लो, और US या UK से हो या यूरोप से हो तो ये साइज चार्ट्स देख लो. तो ठीक है, आई मीन देख लो, लेकिन इश्यूज आ जाते हैं. ठीक है, तो अगर आपको करना ही है ये काम तो आप प्रिंट ऑन डिमांड की तरफ चले जाओ. सही है,
प्रिंट ऑन डिमांड के लिए फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग टी स्प्रिंग या टी चिप या ऐसे बहुत है, मतलब मैं आप अनगिनत है, मैं बोलता रहा हूँ तकरीबन 15-20 तो ऐसे ही है जो के हैं, ठीक है, तो उनकी तरफ चले जाओ, उससे बहुत आप लोगों का काम हो जाएगा। ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है कि सनी भाई ने 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले एक अपना किस्सा सुनाया था कि उनके किसी एम्प्लॉय ने कोई, आई थिंक कोई ब्रांडेड या ट्रेडमार्क प्रोडक्ट चला दिया था जिसके ऊपर उनको कोई हिट पड़ी थी। ये हिट मुझे भी पड़ने वाली थी, मुझे नहीं पता था एक सर्टेन प्रोडक्ट जो था वो ट्रेडमार्क था, मुझे नहीं पता था, और मैं उसका कोई वो किसी मूव मैं जानता ही नहीं था उस प्रोडक्ट को। लेकिन क्या हुआ था कि हम लोग ने उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया था, पता चला था कि वो कोई है, ये बेसिकली प्रॉपर कॉपीराइट ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है और ये कोई चला रहा है, तो हम लोग को इसकी हिट नहीं आई। लेकिन हम लोग का वो प्रोडक्ट शॉपिफाई ने बाय फोर्स हमारा 1 दिन के लिए स्टोर बंद करा और वो प्रोडक्ट हमारे स्टोर से निकाल दिया और फिर वार्निंग दी कि अब ऐसा हुआ तो हम आपका बैन कर देंगे। अगर आप किसी टीयर वन कंट्री में या वेस्टर्न कंट्री में रह रहे हो तो आपके ऊपर ज्यादा खतरा हो सकता है कि जो जितनी भी आपने सेल्स करी होती है आपने उसके ब्रांड को एक डैमेज पहुंचाया होता है, उस डैमेज के अगेंस्ट आपको कुछ फी या पैसे भरने पड़े, सू हो सकते हो आप, सही है, तो इसका खास ख्याल रखना। अगर आपको बेसिकली ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स या कॉपीराइट प्रोडक्ट्स के ऊपर चेक करना है कि ट्रेडमार्क है या नहीं है तो रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हो आप लोग, ये मैंने आप लोग को साइट बता दी है, 10i.com, सही है, इस पे सर्च कर लो तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इस पे रिवर्स सर्च करके आप पता लगा सकते हो कि प्रोडक्ट एक्चुअली में दुनिया में कोई ब्रांड या कोई चला रहा है, कंपनी चला रही नहीं चला रही। ये मैंने आप लोग को कुछ विनिंग प्रोडक्ट्स की एग्जांपल्स यहाँ पे दे दी हैं। तो ये दीज आर विनिंग प्रोडक्ट्स। तो विनिंग प्रोडक्ट्स होती क्या है ये अपने दिमाग में रखना। देखो विनिंग प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली वो होती हैं जिनको देख के ही आपको फील आए कि ये वाओ प्रोडक्ट है, ये आपके किसी भी सुपरमार्केट या सुपर स्टोर बाहर आपके नीचे गली में दुकान में या आपके एरिया में कहीं नहीं मिलेगा आराम से, ठीक है, ये होती है विनिंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स विच जस्ट कांट इजली बी फाउंड आउट एंड अबाउट आपके घर के आसपास या आपके एरिया के आसपास, या आपको बेसिकली बहुत कहीं ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा कि यार मुझे कहीं मिल जाए, ठीक है, दीज आर बेसिकली विनिंग प्रोडक्ट्स। तो एक एग्जाम्पल ये रही, एक मिनट रुकिएगा, ऊप्स, एक ये हो गया, दूसरा रिगार्डिंग वीडियोस, तो ये सारी वीडियोस आपको शुरू में अपने कॉम्पिटिटर की उठा के थोड़ी सी एडिट करके बना के फिर लगानी होगी। अगर आपकी सेल्स आ जाती हैं तो फिर आप जो है ना, आपको अगर पता हो कि ये प्रॉफिटेबल है तो फौरन से आप फाइवर पे, अपवर्क पे या किसी वीडियो एक्सपर्ट से जाना, फौरन से वीडियो एक बनवा लो अपनी प्राइवेट जो कि इस तरह जिसके ऊपर जो है ना ये उसके ऊपर आपका वाटरमार्क भी आ रहा हो, ठीक है। तो बस फिलहाल हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं टॉपिक को, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हमारी जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट होगी, क्या किस तरह करनी है और आपके बेसिकली विनिंग प्रोडक्ट ढूंढते कैसे हैं, एग्जैक्टली हाउ व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स के हम लोग विनिंग प्रोडक्ट्स को ढूंढें, ठीक है, मिनट
एक मिनट रुकिएगा। ओके यहाँ पे मैंने डन कर दिया। ठीक है, अच्छा सुने गाइस, मुझे थोड़ी लेट हो रहा हूँ, असल में मैंने कहीं पे कमिट किया हुआ है और प्लस मेरी मीटिंग भी है, तो आई हैव टू गो, बट मैं काम ही करता हूँ कि नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें आई स्टार्ट ऑफ, और मुझे कोई रिमाइंडर दे देना कि आई स्टार्ट ऑफ विद दीज क्वेश्चंस, ये इसके मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा, ये मैंने सेव कर लिया, प्लीज कोई डिलीट ना करें इनको, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे लिए एसेट है, मैं इससे आप लोग का कोर्स अच्छा बना रहा हूँ। प्लीज आप लोग को मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो जितने भी क्वेश्चंस है ना, इनको आप लोग ने छेड़ना नहीं है, इनको देखकर मैं और मेरी टीम आपके इस कोर्स को बेहतर से बेहतर बनाती रहेगी। मेरे लिए ये क्वेश्चंस एसेट हैं, ठीक है? चलें, स्लाइड्स मैं आप लोग को दे देता हूँ, रुकिएगा। ओके सो कॉपी गाइस, ये लो मैंने आप लोग को ये दे दिया, लिंक दे दिया है गूगल शीट का, ये ले लो। ठीक है, चलो सही है, ओके आई एम ऑफ देन, आप लोग अपना ख्याल रखना इंशाल्लाह, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज, थैंक यू गाइस, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज।